राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे रही। और आतिशी का अनशन आज भी जारी रहने वाला है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है, देखिए रिपोर्ट। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, देखिए पानी के इन दो रंगों को, एक तरफ परेशानी वाला रंग है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत वाला रंग है। आम आवाम परेशान है और दूसरी तरफ मंत्री जी का अनशन चल रहा है। सबसे पहले सुनिए आम आवाम की बात। ड्रामा है जी, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ड्रामा करता है, कुछ लिमिट से ज्यादा पढ़ा और लिमिट से ज्यादा उठ गया आदमी लोग। ये लोग जो है ना बिल्कुल ही ड्रामेबाज हैं। जितना ये लोग नियम बनाए थे कि हम झुग्गी झोपड़ी में स्लम बस्ती में ये सुविधाएं देंगे, बिजली का सुविधा देंगे, पानी का सुविधा देंगे, शौचालय सुविधा देंगे, इसमें से कोई सुविधा नहीं है। सत्याग्रह पे जो आतिशी जी बैठी हैं उनको यहाँ झुग्गी बस्ती में आके देखना चाहिए। जो सत्याग्रह असली अगर बैठना ही है तो झुग्गी बस्ती में आके इनके आसपास बैठे। सुना आपने, जिसे आम आदमी पार्टी अनशन कह रही है, आम लोग उसे सियासी ड्रामा करार दे रही है। चलिए अब सियासत की बात करते हैं तो पानी की परेशानी खत्म करने के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन शुरू हो गया है। अब सुनिए ये कब तक चलेगा। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। सुना आपने, जब तक पानी मिलेगा नहीं तब तक आतिशी अनशन तोड़ेंगी नहीं। वो बार बार हरियाणा पर आरोप मढ़ रही हैं, लेकिन इस पर तो कांग्रेस भी आतिशी के सुर में सुर नहीं मिला रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, SYL खोदना चाहिए, बल्कि हमारा पानी दिलवाओ।